दोस्तों मोटू सोए हुए रहते हैं अपने घर में, तभी मोटू के घर में भयानक सा तीन मुंडी वाले चुड़ैल आती हैं और मोटू के शरीर में घुस जाती हैं। मोटू को कुछ पता ही नहीं चलता है। तभी थोड़ा देर के बाद मोटू को नींद खुल जाती है। तभी मोटू इधर उधर जाने लगती है और बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है और बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगता है। भयानक जंगल आता है, फिर भी चले जाते हैं और मोटू को समोसा मिलता है। और समोसा खाने के लिए जैसे ही जाते हैं तैसे ही तीन मुंडी वाले चुड़ैल आता है और मोटू को भी भूत बना देता है। तभी मोटू भूत बन जाते हैं और पतलू भी एक घर में सोए हुए रहते हैं। तभी उसके घर में भी तीन मुंडी वाले चुड़ैल जाती है और पतलू के शरीर में भी घुस जाती है। तभी पतलू भी थोड़ा देर के बाद जाग जाती है, उसको भी भूख लग जाती है। तभी जंगल की तरफ पतलू भी जाने लगता है। तभी थोड़ा देर जाने के बाद, भयानक सा जंगल जाने के बाद, मोटू जहाँ पर भूत बना था वहीं चला आता और पतलू कहता है, मेरी दोस्त मोटू को ठीक करो नहीं तो तुझे मारूंगा। तभी चुड़ैल बोलता, नहीं करूंगा। तभी पतलू कहता, मेरे पास एक आइडिया, शिव भगवान को प्रकट करता हूँ। तभी थोड़ा देर के बाद शिव भगवान प्रकट होते हैं और शिव भगवान ने मोटू को ठीक कर देते हैं। तभी मोटू ठीक हो जाते हैं और घर की तरफ मोटू जल्दी से घर जाने लगता है और पतलू भी चला जाता है। तभी शिव भगवान जी भूत को भी जला देता है और भूत जल्दी शिव भोले जी भूत को भी मार देता है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा मोटू को भूत बनने से बचा लिया और चुड़ैल को मार दिया हूँ। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को पांच लोगों के पास शेयर करेगा, उसको मैं जरूर बचाने के लिए आऊँगा।